ओम शांति। 23 मई 2020 के बाबा के साकार महावाक्य, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। आज का गीत है ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ भ्रिकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही, अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने का भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं, वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना, सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्व गुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है।
यह भी बाप समझाते हैं, बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं, मेरा भी ड्रामा में यह पाठ है, कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लग पड़ा है, सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कहते थे, घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है, भारत ही सच खंड था, भारत ही झूठ खंड है, झूठ खंड किसने बनाया, सच खंड किसने बनाया, ये किसको पता नहीं, रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं, भक्त लोग रावण को जलाते हैं, कोई रिलीजियस आदमी हो उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सत्युग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया, हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते, तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया, तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं, कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो सो भी आगे चल देखना है, कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज तिलक, अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वे रास्ता बताते हैं, उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप, कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता, वह तो बच्चा है, फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा, बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, ये तो झूठ है ना, परंतु ये भी ड्रामा में नोंद है, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तो बहुत सहज है ना, बच्चा पैदा हुआ उनको सिखलाते हैं, ये बोलो तो सिखलाने से सीख जाता है, तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्से को याद करो, तुम गाते भी हो, तुम मात पिता, आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो, भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है, अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना, पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी फिर देवता, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है, तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते, बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं, हम बड़े बाबा अर्थात शिव बाबा से छोटे बाबा अर्थात ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी, ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं, बाबा जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगर तो कुछ चल ना सके, हम बाबा के बने हैं उनको ही याद करते हैं, बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में, बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो, एक घड़ी आधी घड़ी
क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको ये पढ़ाते हैं, अभी तुम बाप के सम्मुख होना, बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो, बाप कहते हैं हियर नो इविल, ये भी अर्थ की ही बात है, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं, ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए न उठाए वो तो उनके ऊपर है, बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा, भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए, सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है, सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता, अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो, बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था, 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था, फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो, अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है, बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ, बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ, मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं मैं भी सुन लेता हूँ, ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ाते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने, राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं है, ये तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, तुम भी ये अर्थात देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, दिल होल अर्थात दिल शिकस्त मत बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, माया कितनी प्रबल है, अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा एक सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बनना, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना, जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए, एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं।
ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही अभ्यास अंतिम एक सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।